स्वागत है फ्रेंड आप सबके हमारे चैनल में। तो फ्रेंड आज मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे इस पार्ट की और वीडियो बाकी थी। तो आप जो देख रहे हैं ये कनेक्शन किया है मैंने तारे डालकर, जो कि आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के है, RYB फिर RYB आप ये देख रहे होंगे। और ये जो थर्माकोपल आपको दिखाने बाकी थी फ्रेंड, देखो मैंने यहाँ पर थर्माकोपल भी लगा दिया है, ठीक है। और इस तार पर मैंने मार्किंग भी कर दिया, आप देख रहे होंगे। और थोड़े थोड़े तार ज़्यादा हैं, आप भी ऐसे थोड़े एक्स्ट्रा तार लेना। और जो हाइड्रोलिक के कनेक्शन के बाकी थे वो आप देख रहे होंगे, वो रहा हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर। और ये दो पाइपें हैं जो कि उसमें कनेक्टेड हो रही है, ठीक है फ्रेंड। तो अब चलिए आगे के आपको दिखाता हूँ जो जो बाकी था। तो आप देख रहे होंगे हमारे इसमें थर्माकोपल भी लग चुका है फाइनली। अभी इसका कनेक्शन करेंगे तो आपको दिखाएंगे उसका भी, ठीक है फ्रेंड। ये थर्माकोपल कुछ इस टाइप का, हमारे थर्माकोपल के टाइप हैं आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर चार टर्मिनल है, ये चारों में कनेक्शन होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब आइए, आपको एक चीज़ और बाकी थी दिखाने के लिए जो कि आप ये देख रहे हैं साइलेंट वाल है। और इसका मैंने कनेक्शन किया है, इसमें से एक लूप बना के इसमें दे दिया है, और इसमें फेस, और इसमें फेस दिया है, और इसमें भी न्यूट्रल, इसमें भी न्यूट्रल है, ठीक है। एक फेस इसमें आएगी और एक फेस इसमें आएगी, ब्लैक वाले न्यूट्रल की वायर हैं आप देख रहे होंगे। और इधर से हमारी वायरें गई है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं, हमने ये इसका मेन पावर केबल डाल दिया है, ये जो आप कॉन्टैक्टर देख रहे हैं इसके थ्रू होते हुए जाएगा, जो कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड। अब हम इस कॉन्टैक्ट पॉइंट में सारे कनेक्शन करेंगे, फैन मोटर, हाइड्रोलिक और साइलेंट वाल की सारे कनेक्शन जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे फ्रेंड, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।